अज बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि आम आदमी पार्टी तो साढ़े बहुत ही सीनियर प्लैनिंग बोर्ड के चेयरमैन सरदार चंद सिंह जी जो कि आजाद प्रैस क्लब और सोशल वर्कर के नाल जो मीटिंग हुई है उन्हों सारे वालों असी जी आए कहने। हाँ जी चंद सिंह गिल जी तुसी इत्थे आजाद प्रैस क्लब के आए हो तुहाडा प्रैस के सारे का साढ़े वालों स्वागत है जी। तो सब तो पहले जी आया तुसी शायद मल्ला वाले च इसे जरा सब तहसील बनी है पहली बार आए हो तो आजाद प्रैस क्लब वालों भी तुहाडा स्वागत है। तो की कहना चाहोगे तुसी अज इत्थे आजाद प्रैस क्लब के आए जी? पहले तो मैं आजाद प्रैस क्लब ते जो एन जी ओ इत्थे आए आ उन्हां दा तहे दिलों सत्कार करदा कि जिन्ना मैनूं आपदे विच छड के बड़ा माण दिता। इस करके जो अज मैं क्योंकि अज जिहड़ी मिलनी है मैं वैसे मल्लां वाले तां बहुत आउंदा रहा पर एज ए प्लैनिंग बोर्ड चेयरमैन मैं अज पहले दिन तुहाडे विच आया। देखो जिहड़ी सरकार आम आदमी पार्टी की आपां नूं मिली है तीजा बदल इस सरकार की तुहानूं एक गल मैं जरूर दसदा कि तुसीं कंपेयर भी कर लिया जे कि जिहड़े साडे लीडर एक पॉलिटिशियन चंगा जां सीएम चंगा होवे तो उहदे च तीन गुण जरूरी होने चाहिए। पहला नाता नीत ते नीतियां। नीत साढ़े जे भगवंत मान साहब वाल देखिए तो वो नीत है काम करन दी नीतियां बड़िया सोहनियां चंगे चंगे तजर्बाकार बंदे लिया के बना रहा और नाता जे तुहानूं गल करिए ग्राउंड से जुड़िया होया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महलां च नहीं रहिंदा लोगों तुरिया तुरिया जांदा ही लोगों नूं मिलदा रहिंदा क्योंकि ग्राउंड तो उठा होया। तीन चीज़ा जिहड़ियां साढ़े कौमी लीडर केजरीवाल जो भी ग्राउंड ना जुड़े है और नीतियां एडिया वधिया बना रहे जहाँ पंजाब वास्ते और ईवन जो उन्होंने दिल्ली दे विच हेल्थ और एजुकेशन दे काम किया वो जिहड़ा कंसैप्ट आ पंजाब चल रहा है और साढ़े जो असी उदों इलैक्शन कमीशन जांदे हुंदे सी गरंटियां दिंदे सी बिजली दी देती उहदे विच तुहानूं कई दसदे होणे कि जीरो बिल आउणे शुरू हो गए काफ़ी और 25,000-26,000 जिहड़ी बच्चों नूं नौकरियां दित्तियां कोई 31,000-32,000 पक्के भी जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट पक्के मुलाजम किए आ। ये जिहड़ा पहला पहली सरकार आ जिहड़ी 70 साल जिहड़ी 75 साल लगे उन्हां आईया सरकार वो सरकार की कर दें 4.5 साल आनंद माण दें 6 महीने मगरों काम कर दें और वो कोई तो अदालतों ही फसे फिर मुलाजम किसे फिर पर इस नीयत जी सरकार की कि असी जे काम करने स्टार्टिंग तो 2 साल देखा जी 1.5-2 साल किन्ने काम हो जाने इस करके नीयत जी चंगी है और नीतियां बहुत नाता लोगों ने जुड़िया है क्योंकि असी खुद क्योंकि सानू उन्होंने कंसैप्ट जो मीटिंग महीने बाद होंगी है असी खुद लोगों ही सानू क्या लोगों के बह के लोगों ने गल करके की है हुण जिहड़ियां तुहाडियां मंगां दित्तियां तुसीं बड़ी वधिया गल कि सानू ग्राउंड तो पता लग रहा चीज़ लोड़ असी जदों मीटिंग हुई ईवन के यह साढ़े संदीप पाठक कोल पहुँच जानी है ईवन कि उन्हें डिस्कस करनी है सीएम साहब न सारे काम होणगे असी वादे ना कहने जी। एक प्लैनिंग जिमें आप एक छोटी जी एग्जाम्पल लै लीए घर की प्लैन बनाने हैं भी आप खर्च इतने करना आ एग्रीकल्चर करना एक अपना ऐसे करना सारा आप प्लैन बना के घर तोड़ते हैं। ये प्लैनिंग बोर्ड का मतलब है कि जिन्ने पैसा आना है खर्चा होना उन्होंने प्लैन बना के असी कितने की कहते करना स्कूलों पर करना ईवन कि तुम्हें यह दस दिए कि डीसी भी मेरा एज ए मैंबर ए डी सी जे पैसे च घपला ईवन मैं उन्होंने भी पूछ सकता डी साहब पैसा सी तू कि गया अगे की हुंदा सी हुण मैं कहना नहीं चाहुंदा कि मैं अगे आप मुलाजम कहिंदे जी चेयरमैन साहब आउंदे 3-4 महीने बाद कुछ हिसाब किताब करके चले मैं पता नहीं मैं तो हिसाब किताब किहड़ा करदे सीगे ईवन साढ़े नहीं हिसाब किताब साढ़े उत्ते स्टेटिक्स दे उन्हें कि उन्होंने साढ़े जो उन्होंने उन्होंने कहिंदे जी चेयरमैन साहब गिल साहब कहिंदा हुण तां तुहाडा हिसाब किताब होगा की करदे मैं उत्थे सारे मुलाजमान नूं कहता एज ए मैं कहा भराओ काम करना पैना कोई गल नहीं जे उसने कोई प्रॉब्लम तुहानूं आउंदी असीं तुहाडी सॉल्व करांगे। इस करके जिहड़ा प्लैनिंग बोर्ड है
ਇਹ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ। ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਜਟ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਲੈਨ ਬਣਨੀ, ਉੱਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਲਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਹਲਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੂਹ, ਐਨ ਜੀ ਓ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੂਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਰਕਰ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।